कौन करेगा? बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकल। सियाराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग हिमालय जाते हैं, कैलाश में जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं, किंतु जब हमारे बीच में उनके अंश जगद्गुरु शंकराचार्य जी आ जाते हैं तो उनके दर्शन हमें सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के स्थानापन्न प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं, स्वामी अव्युक्त शरण जी महाराज, उनको मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और यहाँ पर विराजमान सभी जितने पूज्य संत चरण हैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। विशेष रूप से अभी बालकदास जी को मैंने सुना, जो हमारे परम प्रिय, बहुत परम प्रिय हैं, और इस कुंभ का मैं साक्षी तभी से हूँ जब से परंपरा शुरू हुई, जब से इतिहास की रचना हुई है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि इतिहास को गढ़ा है, इतिहास बनाया है, और आने वाली पीढ़ियां इसकी साक्षी रहेंगी। अभी संत कवि दीवान जी ने भी जो बांध माटी की बात कही, ये हमारा शरीर भी माटी है, माटी का तन है, और अंतोगत्वा जब शरीर आत्मा निकल जाती है उसको पार्थिव शरीर कहा जाता है। उनको सभी संतों नमन वंदन, और जो विकास पुरुष हैं इस देश इस प्रदेश को शिखर तक पहुंचाने में जो कामयाबी पाई है, संतों का आशीर्वाद देकर के इन्होंने ये जो एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है, ये जो आप जिस कुंभ में बैठे हुए हैं, वस्तु ये छाया कुंभ के रूप में इतिहास में पुराणों में इसका उल्लेख आता है, ये कोई नई बात नहीं, प्राचीन प्राचीन परंपरा है। 12 कुंभों का विधान था, हमारे स्वामी अमित जी का कहना है कि 8 अंतरिक्ष में है, कई अन्य स्थानों पर है, 4 यहां होते हैं, मगर 12 कुंभ हर वर्ष में हुआ करते थे, और अब वो 12 कुंभ हो रहे हैं। और ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी ने इस परंपरा में एक नई शक्ति डाल दी और नया संस्कार डाला, समर्पित भाव से दो बजे रात तक जग करके आज भी कार्य करते। मेरे ख्याल में ऐसा मंत्री हमने कहीं नहीं देखा किसी प्रदेश में जो दो बजे रात तक जग करके काम करता हो। और सभी हमारे साहू जी जो हमारे परम प्रिय हैं, जब से सांसद है तभी से मैं उनको जानता हूं, उनकी कार्यप्रणाली को जानता हूं, उनके समर्पित भाव को जानता हूं, उनको और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को साधुवाद देने के साथ साथ, यहां पर जो विराजमान आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप आए हैं इसलिए हम यहां आए हैं, और आपकी वजह से ही आज ये दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। भक्तों को श्रेय जाता है, भक्त नहीं होते तो भगवान को कोई जानने वाला नहीं होता। तो शुक्र कर खुदाया, मैंने तुझे बनाया, तुझे कौन जानता था मेरी बंदगी के पहले। तो भगवान की बंदगी भक्त करता है तभी भगवान की पूजा होती है, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, मंदिर की प्रतिष्ठा पुजारी से हुआ करती है। एक बार जब राजसूय महायज्ञ संपन्न हो गया, राजसूय महायज्ञ में ये मान्यता थी कि जब अपने आप पांच जन का उद्घोष हो जाए, अपने आप समझ लेना कि यज्ञ सफल हो गया, अन्यथा विफल हो गया, और यज्ञ हो गया, सबका भोजन हो गया, शंख नहीं बजा, तब पता लगा गया कि इसकी असफलता का कारण क्या है। एक संत थे जिन्होंने भोजन में आने से अस्वीकार कर दिया था, उनके पास सभी गए, भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर गए, द्रौपदी भी साथ में गई, उनका आपके नहाने से हमारा यज्ञ विफल हो गया, उनका आपने कितने यज्ञ किया अभी तक, उनका एक किया है, जो 1000 यज्ञ करता है उसके यज्ञ में मैं शामिल होता हूं, उसका प्रसाद देता हूं, अभी एक यज्ञ करने वाले का मैं कैसे प्रसाद दूं, बड़ा ये ना 1000 यज्ञ होंगे और ना ये महाराज प्रसाद लेंगे, और ये कैसे संभव हो सकता है। अंतोगत द्रौपदी ने कहा, महाराज हम जरूर आपको प्रसन्न करेंगे और कल आपको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। सबको आश्चर्य हुआ, कैसे एक जब तक 1000 यज्ञ नहीं होंगे कैसे संभव हो पाएगा। दूसरे दिन द्रौपदी सबको लेके गई और द्रौपदी ने कहा, प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि यदि ये आप तो वाक है और ये संतों की वाणी है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों योगों का फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है संतों के दर्शन मात्र से, जो
निर्विकार भाव से निर्भिमानी बनकर के, जैसा कि बालादास जी ने कहा यहाँ की यह परंपरा है, बड़े सद्भाव के साथ में, विनम्रता के साथ में। अभी हमें जब कुंभ में था, ब्रजमोहन जी आए और मुख्यमंत्री जी का संदेश सुनाया कि मैं तो 7-8 साल से लगातार आ रहा हूं और आता भी रहूंगा। उन्होंने जब निमंत्रण दिया तो हमें आपको आने की आवश्यकता नहीं, तो हमारा कर्म है ये, हम संतों का कार्य आप कर रहे हैं। जो कार्य संतों को करना चाहिए था शासन प्रशासन सज्ञा कर रहा है, इससे संतों का समग्र आशीर्वाद आपके साथ था और हमेशा रहेगा। देवियों भाइयों, मैं एक निवेदन जो करने जा रहा हूं, अभी जो बहुत अच्छी बात बालकदास जी ने कही, गो हत्या करने की जिम्मेदारी काटने वालों की नहीं है, क्षमा करना। गो हत्या उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन गो हत्यारों को गाय बेचना बंद कर देगा। ये लोग संकल्प ले ले देश के लोग, तो कभी गाय की हत्या नहीं हो पाएगी यदि गाय बेचना बंद हो जाएगा। क्योंकि गाय कौन पालता है? जो गाय पालता है और जो गाय को बेचता है वही हत्यारा है, काटने वाला हत्यारा नहीं है बल्कि बेचने वाला हत्यारा है। तो बेचने वाले को भी सजा होनी चाहिए, काटने वाले के अलावा बेचने वाले को भी सजा का प्रावधान हो, जो बेचेगा उसको भी सजा होगी। तो मैं समझता हूं कि गोहत्या यहां तो बंद हो गई है, अन्य प्रदेशों में भी बंद हो जाएगी और हमारा देश जिस दिन गोहत्या बंद हो जाएगी फिर से धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान राम ने कहा था संदेश नहीं, हम यहां स्वर्ग का लाए, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आए, भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए। और एक और बात जो मैं पिछले बार भी मैंने कही थी, मां कौशल्या का आपने भवन आपको पुरस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी बात की है। मां कौशल्या के नाम का एक भवन भी, दिव्य भवन यहां बनना चाहिए, तब उससे भी लोग हमेशा मां कौशल्या का स्मरण कर सकेंगे। बहुत से लोग मां कौशल्या के बारे में नहीं जानते, यहां के लोग तो जानते हैं क्योंकि यहां की पुत्री है छत्तीसगढ़ की, यहाँ की जन, तो इसलिए हमें चाहते हैं कि इसके लिए भी एक विचार चिंतन किया, मनन किया जाए, मां कौशल्या की कोई चिर स्मृति में बनाए रखने के लिए ये एक, इसका भी एक कोई इसको भवन ही बना दिया जाए जो स्मारक बन जाए उनके नाम का, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सकें। मैं अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि जो लोग यहां बैठे हुए हैं ये जनता के प्रतिनिधि हैं, 1,00,000 बार 1 करोड़ बार बोले कि हमने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स माफ कर दिया, कोई उस बात को नहीं मानेगा। किंतु जब मंत्री एक बार बोल देता है, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करके एक बार बोल देता है, उसको मानने के लिए विवश हो जाते हैं। तो संत भी जो है वो भगवान के प्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधियों का तो कभी ना कभी रिटायरमेंट हो ही जाता है, किंतु जो भगवान के प्रतिनिधि संत है वो आज है, कल है और हमेशा रहेंगे। और जब भगवान उनको, क्योंकि संत पैदा होते बनते नहीं होते, संत बनाए नहीं जाते, संत पैदा होते हैं। और संत जब एक बार किसी को आशीर्वाद दे देता है तो भगवान भी उसको काटने के लिए मजबूर हो, जब भगवान उसको नहीं काट पाता है, यही बात मैं कहने जा रहा हूं। संतों का आशीर्वाद आपके साथ था और इस प्रदेश के विकास के लिए सदैव रहेगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, ये वास्तव में खीर का कटोरा बन जाए यह सभी संत चाहते हैं। गो माता की सेवा के द्वारा ही संभव हो पाएगा, किसानों को महत्व दिया जाए। ये कृषि प्रधान देश था और ऋषि प्रधान देश था, तो कृषि को आप महत्व दे रहे हैं, ऋषियों को भी आप महत्व दे रहे हैं, तो आप अपने पूरे पौराणिक गौरव को आप फिर से याद कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ फिर से मैं अहमदा खाले के महामंडलेश्वर के नाते, विश्व संत परम संघ के संत के नाते, अध्यक्ष के नाते और दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष के नाते साधुवाद दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं।